गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक द रैट ट्रैप था, जिसका हम सेकेंड पार्ट आज कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था, आज हम यहाँ से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोर आइज एंड टोबैको। जो रैट ट्रैप सेलर था वो एक बूढ़े व्यक्ति के यहाँ शरण लेता है, और बूढ़ा व्यक्ति रैट ट्रैप सेलर की तरह ही अकेला होता है, और दोनों लोग अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए जब रैट ट्रैप सेलर उसके यहाँ शरण लेने के लिए जाता है तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो बहुत खुश हो जाता है इसलिए क्योंकि अकेलेपन में उसके साथ बात करने के लिए कोई मिल जाता है, तो उसको शरण दे देता है। उसके साथ बहुत अच्छी जो है खातिरदारी होती है रैट ट्रैप सेलर के साथ, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं। और बिस्तर पर जाने तक ये लोग जो है एमजोलिस खेलते हैं। एमजोलिस एक तरह का प्लेइंग कार्ड है, ताश का एक गेम है, वो खेलते हैं। अब आगे ये बताया जा रहा है कि जो ओल्ड मैन है यानी वृद्ध व्यक्ति जो था, वह जस्ट एज जेनरस, वह उतना ही जेनरस था। जेनरस का मतलब होता है लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार। वह उतना ही उदार था किसके साथ, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, अपने अनुभवों के साथ, यानी अपने जीवन में जो उसने अनुभव किया था उन अनुभवों के साथ वह उतना उदार होता है जितना विथ हिज पोर आइज एंड टोबैको, जितना वह अपनी दलिया और टोबैको के साथ जो है जेनरस था, उतना ही वो जो है अपने अनुभवों के साथ भी जेनरस था। अब कहने का मतलब यहाँ क्या है कि वृद्ध व्यक्ति जो है अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार जो है बहुत उदार था, और वह जो है हॉस्पिटैलिटी में विश्वास करता था। यदि कोई व्यक्ति उसके यहाँ आता है एज अ गेस्ट तो वो उसकी बड़ी खातिरदारी करता था। और यहाँ इसके गेस्ट के रूप में आया था रैट ट्रैप सेलर, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब था, होमलेस था, अभावों से ग्रस्त था, तो वो इसके यहाँ आता है तो इसकी जेनरोसिटी को देखता है। अब इसके बाद क्या आता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, यानी जो गेस्ट है, मेहमान है, यानी रैट ट्रैप सेलर है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, यानी सूचना दी जाती है। ऑब्वियसली सूचना कौन देगा, वृद्ध व्यक्ति ही देगा। तो वृद्ध व्यक्ति गेस्ट को बताता है एट वंस, मतलब तुरंत, दैट की क्या बताता है, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब यहां हिज किसके लिए आया है, वृद्ध व्यक्ति के लिए आया है, यानी उसके प्रॉस्पेरिटी के दिनों। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है हैविंग वेल्थ, या वेल्दी आप कह सकते हैं, वेल्दी मतलब होता है धनी होना। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब यहां हो जाएगा संपन्नता, यानी अपने संपन्नता के दिनों में। वृद्ध व्यक्ति गेस्ट को यानी रैट ट्रैप सेलर को इन्फॉर्म करता है कि वृद्ध व्यक्ति की जब संपन्नता के दिन थे, वृद्ध व्यक्ति के अमीरी के जब जो दिन थे उसमें क्या था, हिज होस्ट, हिज होस्ट का मतलब रैट
फिर से आपको समझा दे रहे हैं, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस में है, यानी मेहमान को बताया गया या सूचना दी गई एट वंस मतलब तुरंत कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी वृद्ध व्यक्ति के संपन्नता के दिनों में, हिज होस्ट का मतलब रैट ट्रैप सेलर का जो होस्ट था, मेजबान था, वो वृद्ध व्यक्ति ही था, क्योंकि गेस्ट कौन था, रैट ट्रैप सेलर, और उसका होस्ट कौन था, ये वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कहता है कि गेस्ट से, वो कहता है कि जब वृद्ध व्यक्ति संपन्न था तो वृद्ध व्यक्ति ही क्या करता था, हैड बीन अ क्राफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब देखिए, प्रॉस्पेरिटी के दिनों में जो वृद्ध व्यक्ति था, हैड बीन अ क्राफ्टर, वह एक काम करने वाला था, यानी वह काम करता था कहां पर, रामजो आयरन वर्क्स, यानी रामजो जो है, रामजो के लोहे की फैक्ट्री में वो काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पर भी काम करता था, यानी जमीन को जोतता भी था। एक तरीके से वह एक कृषक था जो आयरन वर्क्स यानी लोहे के कारखाने में, जो रामजो था, रामजो के लोहे के कारखाने में काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पर भी काम करता था, यानी खेतों में भी काम करता था। नाउ दैट, अब जबकि ही वॉज नो लॉन्गर एबल, नो लॉन्गर का मतलब होता है नॉट नाउ, अब नहीं, अब जब ही वॉज नो लॉन्गर एबल, अब वह योग्य नहीं था, यानी सक्षम नहीं था टू, अब जो ओल्ड मैन है वो रैट ट्रैप सेलर को बता रहा है कि अब, यानी इन प्रेजेंट डेज ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू, यानी अब वह काम करने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, यानी वह फिजिकली वीक हो गया है, शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है, और वह इतना कमजोर हो गया है कि वह दिहाड़ी नहीं कर सकता। अब जब वह दिहाड़ी नहीं कर सकता तो इट वॉज हिज काउ, यह उसकी गाय ही है, व्हिच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी, यानी जब वो दिहाड़ी करता था तब वो वहां से मजदूरी पाता था, लेकिन अब जब वह दिहाड़ी नहीं कर सकता, दिहाड़ी करने में अनेबल है, तो इट वॉज हिज काउ, जो उसकी गाय है, व्हिच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती है, यानी उसकी गाय ही बची है जो उसे सहारा देती है। यस, हां, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस बॉसी जो है वो उसकी गाय को, अपनी गाय को बॉसी कहता है। हाँ, वो बॉसी, यानी वो बॉसी जो गाय है, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह असाधारण थी, यानी उस गाय के बारे में बता रहा है कि वह जो है गाय बहुत ही असाधारण थी, उसका नाम उसने बॉसी रखा हुआ था। सी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी, यानी मक्खन तैयार करने के लिए, एवरी डे, हर दिन, यानी जो लोग दूध को फाड़ करके जो है पनीर वगैरह बनाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी एक फैक्ट्री होती है, तो उस फैक्ट्री के लिए, उस फैक्ट्री के लिए इसकी गाय दूध दे सकती थी और प्रतिदिन दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, यानी वह दूध बेचकर वह पाया था, ऑल द 30 क्रोनोर इन पेमेंट, यानी पेमेंट के रूप में, भुगतान के रूप में वह 30 क्रोनर पाया था। क्रोनर क्या है? क्रोनर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की करेंसी है, क्योंकि ये स्वीडिश राइटर है जिन्होंने लिखा हुआ है, तो स्वीडन की करेंसी क्या थी? क्रोनर। तो वह 30 क्रोनर पिछले महीने
भुगतान के रूप में प्राप्त किया था। किसने? उस ओल्ड मैन ने, उस होस्ट ने। होस्ट का मतलब वो होता है जो किसी गेस्ट का हॉस्पिटल करता है, यानी आदर सत्कार करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं आप लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टूक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। ध्यान दीजिएगा, द स्ट्रेंजर का मतलब यहाँ पे है द रैट ट्रैप सेलर, यानी जो चूहे दानी बेचता था, वो जो अजनबी था। मस्ट हैव सीम्ड, वह अवश्य ही प्रतीत हुआ होगा। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविस्मरणीय, यानी बहुत ही जो है इनक्रेडिबल से संबंधित है ये शब्द, इसको कहेंगे अविश्वसनीय। फॉर द ओल्ड मैन, यानी ये जो स्ट्रेंजर रहा होगा वो वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या रहा होगा? बहुत ही विश्वसनीय रहा होगा। वह क्या किया? गॉट अप, वह उठा। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टूक डाउन, उतारा। अ लेदर पाउच मतलब एक लेदर के थैले को उतारा, चमड़े के थैले को उतारा। व्हिच हंग, जो लटकाया गया था। ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो, यानी खिड़की के एक हुक से, जो खिड़की के ही एक हुक से लेदर पाउच लटकाया गया था, उसे उस स्ट्रेंजर ने उतारा। जो विंडो फ्रेम में लगी हुई थी हुक, उसी से लटकाया गया था, उसने उतारा। एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाला क्या? थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। थ्री मतलब तीन, रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए या सिकुड़े हुए, 10 क्रोर यानी 10 क्रोनोर यानी 10 क्रोनोर के बिल, यानी जो अजनबी व्यक्ति था, अपरिचित व्यक्ति था, मस्ट हैव सीम्ड, निश्चित रूप से या अवश्य प्रतीत हुआ होगा। इनक्रेडुलस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। किसके लिए? फॉर द ओल्ड मैन, यानी वृद्ध व्यक्ति के लिए। ये जो स्ट्रेंजर वृद्ध व्यक्ति के घर आया था, वो स्ट्रेंजर वृद्ध व्यक्ति के लिए जरूर ही विश्वास करने लायक व्यक्ति रहा होगा। उसने क्या किया? गॉट अप, वह उठा। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टूक डाउन मतलब उतारा, ए लेदर पाउच मतलब एक चमड़े के थैले को उतारा। किस चमड़े के थैले को? व्हिच हंग ऑन द नेल, जो हुक से लटकाया गया था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी खिड़की के फ्रेम से, यानी उसी खिड़की के फ्रेम के हुक से जो लेदर पाउच लटकाया गया था, उस लेदर पाउच को उसने उतारा। एंड, और
पिक्ड आउट, बाहर निकाला, उस लेदर पाउच से बाहर निकाला क्या? थ्री रिंकल्ड 10 kroner bills, यानी 3 मुड़े हुए 10 kroner के नोट्स को निकाला, यानी 30 kroner उसको मिला भी था पिछले मंथ। उसने 3 मुड़े हुए क्रोनर के बिल्स को निकाला। ओके, अभी तक कोई समस्या? बताइए स्टूडेंट्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and these मतलब इन नोट्स को, ये जो 10-10 के 3 नोट थे, he मतलब उसने यानी old man ने held up निकाल कर बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने निकाल कर उसने दिखाया था, नोडिंग नोइंगली, यानी नोइंगली का मतलब शो ऑफ करते हुए उसने अपने सिर को हिलाया था, एंड और then stuffed them back into the pouch, और उसे उस पाउच में फिर से रख लिया था। then मतलब इसके बाद, stuffed मतलब रख लिया था, then मतलब उन 3 नोट्स को, back into the pouch मतलब उस पाउच में। कहने का मतलब अभी तक जो है old man ये सब दिखा रहा था अपने guest को। यहाँ पे जो स्ट्रेंजर था वो उसके लिए विश्वसनीय व्यक्ति था, इसलिए वो जो है उठा और खिड़की पर गया और एक लेदर पाउच निकाला जो उसने जो है उसी खिड़की के फ्रेम पर लटकाया हुआ था, और वो 3 मुड़े हुए 10 kroner वाले नोट को निकाला। अब इन्हें वो हेल्ड बिफोर, इन्हें वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया था, held before the eyes of his guest, अपने मेहमान के सामने जो है उसको निकाला, और knowingly nodded, यानी nodded knowingly का मतलब जानबूझकर अपने सिर को हिलाया, सहमति में हिलाया कि वो जो लेदर बैग है उसमें वो 3 नोट्स हैं, जानबूझकर उसने दिखाने का प्रयास किया, एंड और क्या होता है, then stuffed them back into the pouch, फिर उन नोट्स को उसने वापस उसी पाउच में रख दिया। अभी तक वो उसको इनवाइट कर रहा है कि वो चोरी करे, एक्चुअली वो अनजान था, ओल्ड मैन जानता नहीं था कि ये जो स्ट्रेंजर आया है ये उसके घर में चोरी ही करेगा, लेकिन ये शो ऑफ करने के लिए उसने जो है दिखाया 3 नोट, ताकि उसको पता चले, स्ट्रेंजर को पता चले कि ये जो है कमाता भी है। अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन यानी दोनों व्यक्ति, यानी ओल्ड मैन और स्ट्रेंजर, गॉट अप, उठे, इन गुड सीजन, इन गुड सीजन का मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग,
अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब सवेरे सवेरे वो दोनों लोग जगे. द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी. सॉरी, द क्राफ्टर मतलब जो कृषक था, वॉज इन ए हरी, वह जल्दबाजी में था क्या करने के लिए, टू मिल्क, दुहने के लिए. हिज काउ मतलब अपने गाय को, यानी जो कृषक था वह अपनी गाय को दुहने के लिए जल्दबाजी में था. एंड द अदर मैन, और दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली संभवतः, थॉट मतलब सोचा, कि ही शुड नॉट स्टे, उसे रहना नहीं चाहिए, इन बेड मतलब बिस्तर में, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का स्वामी हैड गॉटन अप, उठ गया हो, यानी जब घर का स्वामी उठ गया है, तो उस दूसरे व्यक्ति ने संभवतः सोचा कि उसे अब बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो गृह स्वामी है वह पहले ही उठ चुका है. तो दोनों लोग जो है जगे, और बहुत सवेरे सवेरे जगे. क्राफ्टमैन क्या किया, यानी जो ओल्ड मैन था वो जल्दबाजी में अपनी गाय को धोने चला गया, और जो स्ट्रेंजर था यानी रेड ट्रैप सेलर था, उसने भी डिसाइड किया कि वो अब बिस्तर में रहेगा नहीं, क्योंकि उसके घर का जो हेड है, जिस घर में उसने शरण ली है, उस घर का हेड पहले ही जग चुका है. अभी तक ओके, नो डाउट, लेट्स मूव अहेड. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दे मतलब बोथ ऑफ देम, द ओल्ड मैन एंड द स्ट्रेंजर. दोनों लोगों ने क्या किया, लेफ्ट द कॉटेज यानी कुटी को, झोपड़ी को छोड़ दिया. एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर, यानी जो क्राफ्टमैन था वो अपने काम पर चला गया, और जो रेड ट्रैप सेलर था वो भी अपने काम पर चला गया. द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, यानी जो क्राफ्टमैन था, जो कृषक था, उसने अपने दरवाजे को लॉक कर दिया. एंड पुट द की, और चाबी को रख लिया, इन हिज पॉकेट मतलब अपनी जेब में. यानी वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपनी जेब में रख लिया. द मैन यानी वह व्यक्ति, विद द रेड ट्रैप्स चूहेदानी के साथ, सेड ने कहा, गुड बाय, अलविदा, एंड थैंक यू, और आपको धन्यवाद. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और तुरंत वे दोनों, यानी दोनों में से प्रत्येक जो है अपने अपने रास्ते पर चले गए. इतना कहने के बाद दोनों में से प्रत्येक अपने अपने रास्ते पर चले गए. द रैट ट्रैप पेडलर, पेडलर का मतलब यहां हो जाएगा सेलर. यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, विक्रेता, स्टूड अगेन, पुनः खड़े जाने का प्रयास नहीं किया. हाउएवर, फिर भी उसने जो है दरवाजे के सामने खड़ा तो था, लेकिन फिर भी वह अंदर जाने का प्रयास नहीं किया. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह सीधे खिड़की पर गया. स्मैश्ड तोड़ दिया, अ पेन मतलब खिड़की का एक कांच. स्टक इन हिज हैंड यानी अपने हाथ की ठोकर से, यानी उसने खिड़की के एक कांच को तोड़ दिया, और स्टक इन हिज हैंड, और उसने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने क्या किया, उस थैले को अपने हाथ में पकड़ लिया. विद द 30 क्रोनोर, यानी जिसमें 30 क्रोनोर थे,
जिस थैले में 30 कुनूर थे उस थैले को उसने पकड़ लिया। ही टूक द मनी, यानी उसने धन को लिया, एंड थ्रस्ट इट, और धन को उसने रख लिया। यहां पे ये होना चाहिए था, ही टूक द मनी आउट, उसने धन को बाहर निकाला, एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, और उस अमाउंट को, इट का मतलब द अमाउंट ऑफ 30 क्रोनोर हो जाएगा, सीधे खिड़की पर गया। उसने कुछ नहीं किया बल्कि वो सीधे खिड़की पर गया। इज मैस्ड अ पेन, खिड़की का जो एक पेन था, इस पेन का मतलब हो जाएगा ग्लास, ग्लास विंडो, उसने ग्लास विंडो को स्मैश कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, यानी उसने अपने हाथ को, देखो स्टक मतलब किया, इन मतलब अंदर, यानी स्टक इन का मतलब पुट इन, अंदर डाला, हिज हैंड मतलब अपने हाथ को, अपने हाथ को खिड़की से अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड, और पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, ऑफ द पाउच, यानी उस थैले को पकड़ लिया, विद द 30 क्रोनोर, यानी जिसमें 30 क्रोनोर रखे थे, यानी उस 30 क्रोनोर वाले थैले को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। ही टूक द मनी, यानी उसने धन को निकाला, एंड थ्रस्ट इट, और इस अमाउंट को, एक मिनट, हाँ ठीक है, और इस अमाउंट को उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। अब इसकी ईमानदारी देखो, ये कह रहा है देन ही हंग द लेदर, तो उसने जो है इसके बाद उसने उस लेदर पाउच को उसने लटका दिया, वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बैक मतलब वापस, इन इट्स प्लेस मतलब अपने स्थान पर, एंड वेंट अवे, और बाहर चला गया। तब उसने लेदर पाउच को बहुत ही सावधानी पूर्वक वापस उसी स्थान पर रख दिया, एंड या उसी स्थान पर लटका दिया, और चला गया। यहां तक का फीडबैक दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, एज मतलब होएन हो जाएगा, जब ही वॉक्ड, वह चला, अलोंग विद द मनी, धन के साथ, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में रखकर, जब रैट ट्रैप सेलर अपनी जेब में धन को रखकर चला, तब ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट प्लीज्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस किया, विथ हिज स्मार्टनेस, अपने चालाकी के साथ, यानी अपनी चतुराई के साथ बहुत ही खुश महसूस किया। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया या अनुभव किया, ऑफ कोर्स वास्तव में उसने एहसास किया, दैट की एट फर्स्ट, सबसे पहले ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, सबसे पहले उसने जारी रखने का साहस नहीं किया। ही डेयर्ड नॉट, डेयर्ड का जो है साहस करना, ही डेयर्ड नॉट, उसने साहस नहीं किया, क्या करने का, कंटिन्यू करने का, जारी रखने का, क्या, ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी पब्लिक हाईवे पर चलने का उसने साहस नहीं किया, यानी अपनी जर्नी को पब्लिक हाईवे के, एट फर्स्ट, सबसे पहले तो उसने, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसने जारी रखने का साहस नहीं किया, ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी अपनी यात्रा को पब्लिक हाईवे से,
जन राजमार्ग से होकर जारी रखने का साहस नहीं किया, बट लेकिन मस्ट टर्न, बट मतलब बल्कि, मस्ट टर्न ऑफ द रोड यानी वह सड़क को बदल लिया, किसके साथ, इनटू द वुड्स यानी जंगलों से होकर, यानी जंगल से होकर जो है उसने अपने रास्ते को बदल लिया, उसने जंगल के रास्तों का सहारा लिया, वह जंगल के रास्तों पर मुड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आस यानी पहले घंटे के दौरान जब वह जंगल में प्रवेश किया तो फर्स्ट आवर पहले घंटे तक दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई, यानी जंगल के रास्तों पर चलते चलते एक घंटे तक उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन, लेकिन बाद में क्या होता है, द डे इट यानी देखो लेटर इन द डे, लेकिन दिन में बाद के समय में, कहने का मतलब एक घंटे तक जब वह जंगल रास्तों से एक घंटे तक चला तो कोई, और दिन के बाद में इट बिकेम वर्स यानी उसकी यात्रा कठिन हो गई। क्यों, फॉर, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह जो जंगल था, फॉर क्योंकि इट वॉज अ बिग या एक बड़ा एंड कंफ्यूजिंग और भ्रामक, भ्रम उत्पन्न करने वाला फॉरेस्ट था, व्हिच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश किया हुआ था, वह जंगल जिसमें वह प्रवेश किया हुआ था वह बड़ा था और भ्रम उत्पन्न करने वाला था। डिसाइड तो उसने किया कि वह पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा, क्योंकि पब्लिक हाईवे से जाएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो उसने जंगल के रास्तों को जो है चुना और वह उन पर चलने लगा। एक घंटे तक जंगल के रास्तों से चलते हुए उसको कठिनाई महसूस नहीं हुई, बट एक घंटे के बाद दिन के लगभग अंत में, लगभग शाम को जो है उसकी यात्रा वर्स हो गई, यानी वह कठिनाई महसूस करने लगा। क्यों, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, जो जंगल था वह बड़ा था और भ्रम उत्पन्न करने वाला था। कौन सा जंगल, व्हिच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश किया हुआ था, यानी जिन जंगल के रास्तों से वह आगे बढ़ रहा था वह जंगल बहुत बड़ा और भ्रम उत्पन्न करने वाला था। अब क्या होता है, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, टू बी श्योर का मतलब होता है सर्टेनली, सर्टेनली, निश्चित रूप से। अब दो कॉमा के बीच में है तो इसको पहले कर लेते हैं तो हो जाएगा निश्चित रूप से। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया टू वॉक, चलने का, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, निश्चित रूप से उसने एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पथ्स, पथ्स मतलब वेज, लेकिन जो रास्ते थे, जो पथ थे, वे ट्विस्टेड बैक यानी मुड़कर वापस आ जाते थे, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंज यानी ये वो जो है वो इतने मोड़दार थे, रास्ते जो इतने मोड़दार थे, इतना आश्चर्यजनक रूप से मोड़दार थे कि ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा जो जंगल के रास्ते थे, फिर से देखिएगा, कुछ कठिनाई महसूस हो रही हो तो उसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, टू बी श्योर का मतलब निश्चित रूप से होगा। ही ट्राइड टू वॉक, उसने चलने का प्रयास किया, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। बट द पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे वो विचित्र तरीके से आगे पीछे काफी मोड़दार थे, यानी एक ही रास्ते से कई रास्ते निकल रहे थे। आपको पता होगा सबवेज यानी जो उप रास्ते होते हैं जो किसी मेन रोड से कनेक्टेड होते हैं, तो जिस मेन रोड से वो चल रहा था उस पर कई सारे कनेक्टेड रोड्स थे,
जो बहुत ही स्ट्रेंजली जो है एग्जिस्ट हो रहे थे वहां पर थे। इस नाते जिस भी रास्ते से उसने आगे जाने का प्रयास किया तो वह जा तो रहा था, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा विदाउट कमिंग, बिना आए, टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब जंगल के अंत में। यानी वह चलता रहा लेकिन वह जंगल के बाहर नहीं आ सका। उम्मीद है समझ में आई होगी बात, बताइए कमेंट करके। यदि कोई लाइन समझ में कम आई हो तो उसको हम फिर से रिज्यूम कर देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज, उसने अनुभव किया, दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल चल ही रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट, यानी किसी एक ही भाग के किनारे किनारे, ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के। क्या होता है कि एंड फाइनली, और अंततः उसने अनुभव किया, ही रियलाइज, में उसने अनुभव किया दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल चल ही रहा था, अराउंड मतलब आसपास या चारों तरफ, किसके, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल के एक ही भाग के आसपास वो गोल गोल घूम रहा था, चल रहा था। ऑल एट वंस, तभी एकाएक, ही रिकॉल्ड, उसे याद आ गया, His thoughts, उसके विचार याद आ गए, about the world, यानी संसार के बारे में जो उसने विचार किया था वो उसको याद आ गए, and the rat trap, और वो rat trap वाला विचार उसको याद आ गया। अब उसने विचार ये किया था कि सारा संसार एक जो है चूहेदान है, एक जाल है जिसमें व्यक्ति जो है फंस जाता है। तो जब वो अनुभव किया कि वो जंगल के एक ही पार्ट के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है, तो उसे वो अपनी जो है थॉट याद आ गई, जिसमें उसने संसार को क्या माना था, एक रेड ट्रैप माना था, वो उसको विचार याद आ गया। नाउ, अब हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी, यानी सभी लोग रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं, अब वो भी रेड ट्रैप में क्या हो गया है, फंस गया है। ये कहने का इसके मतलब यही है कि अब उसकी बारी भी रेड ट्रैप में फंसने की आ गई थी। द होल फॉरेस्ट, एक मिनट, कुछ मिसिंग हो गया, ओके देखते हैं। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, ही हैड लेट, उसने दिया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, बी फूल्ड मतलब मूर्ख बनने, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया था, किससे, बाई अ बेट, यानी उस चारे से, एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा जा चुका था। अब कहने का मतलब कि यदि चूहे को रैट ट्रैप में फंसाना है तो क्या किया जाता है, रैट ट्रैप के अंदर एक बेट रखा जाता है। बेट मतलब ऐसी वस्तु जो किसी भी जीव में लालच उत्पन्न कर देती है, वो बेट रखा जाता है, और उस बेट से वह चूहा जो है क्या हो जाता है, फूल बन जाता है, मूर्ख बन जाता है, और उसको जैसे ही टच करता है वो उस रेड ट्रैप में क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये भी कह रहा है, रेड ट्रैप सेलर कह रहा है कि ही हैड लेट हिमसेल्फ, यानी उसने स्वयं को दिया, बी फूल्ड मतलब मूर्ख बनने, यानी उसने स्वयं को मूर्ख बनने दिया, किसके कारण, बाई अ बेट, यानी उस चारे के कारण, एंड हैड बीन कॉट, और वह पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, यानी संपूर्ण जंगल जो है, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेज, और शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, यानी अपने मोटे मोटे
और गिरे हुए लकड़ी के टुकड़ों के साथ क्लोज्ड मतलब बंद कर लिया, इन मतलब अंदर, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसे अपने अंदर बंद कर लिया, लाइक एन इम्पेंट्रेबल, इम्पेंट्रेबल का मतलब अभेद्य, इम्पेंट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, प्रिजन यानी कारागार में, फ्रॉम व्हिच जिससे, ही कुड नेवर एस्केप वह कभी नहीं बच सकता था। अब वो जो अब रैट ट्रैप की फीलिंग क्या है उसको समझिएगा। अब अकॉर्डिंग टू द रैट ट्रैप सेलर, वो विक्रेता जो था उसके अकॉर्डिंग पूरा जो फॉरेस्ट था जिसके रास्तों से वह यात्रा कर रहा था, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें पेड़ों की शाखाएं, पेड़ों के तने मिलेंगे, उसकी शाखाएं मिलेंगी, उसकी मोटी और गिरी हुई यानी उसके मोटे और गिरे हुए टुकड़े मिलेंगे, यानी ये सब क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको चारों तरफ से क्या कर लिए, सराउंड कर लिए, किसके समान, लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन यानी एक अभेद्य जेल के समान। अभेद्य जेल का मतलब क्या है, ऐसी जेल जिसको भेदना मुश्किल हो। भेदने का मतलब क्या, भेदने का मतलब कि जिसको तोड़ना मुश्किल हो, यानी एक ऐसे अभेद्य पिंजरे में वह बंद हो गया, फ्रॉम हुए जिससे ही कुड नेवर एस्केप वह कभी निकल नहीं सकता था या वह कभी भी बचकर निकल नहीं सकता था। यानी उसकी भावनाएं अब ये हैं कि रैट ट्रैप सेलर के लिए वो जो जंगल था वो क्या हो गया था, वो एक इम्पेंट्रेबल प्रिजन बन गया था, यानी अभेद्य जेल बन गया था जिससे बाहर उसके लिए निकल कर जाना मुश्किल था, असंभव था, समझ लीजिए। तो उसकी भावनाएं इस तरह हो गई थी। अभी तक कोई समस्या हो तो बताएं। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर महीने का अंत था, यानी दिसंबर का अंत जो है, दिसंबर के अंत का समय था। डार्कनेस अंधेरा वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी जंगल में एक प्रकार का अंधेरा छा रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी जंगल में पहले से ही अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज्ड यानी यह अंधेरा, दिस का मतलब अंधेरा, इंक्रीज्ड यानी इस अंधेरे ने बढ़ा दिया था, द डेंजर मतलब खतरा, यानी दिसंबर के महीने के अंत का समय था और जंगल में पहले से ही अंधेरा छा चुका था, और अंधकार युक्त जंगल यानी अंधकार युक्त जो जंगल था उसने इंक्रीज कर दिया था क्या, द डेंजर खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, और उस रेड ट्रैप सेलर की उदासी को एंड डिस्पेयर और निराशा को बढ़ा दिया था, यानी अंधकार युक्त जंगल ने खतरे को भी बढ़ा दिया था और साथ ही साथ चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की उदासी को और निराशा को भी इंक्रीज कर दिया था। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये इजी है। आगे फाइनली ही सा नो वे आउट, अंततः ही सा उसने देखा, नो वे आउट यानी कोई उपाय नहीं। अब इसका सेंस ये है कि अंततः उसको कोई उपाय नहीं सूझा, उपाय सूझता है, रास्ता दिखता है। अब देखें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब जंगल के अंधेरे ने खतरे को बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया,
तो अंततः उसने ऐसा पाया कि उसके पास कोई उपाय नहीं था. He had no option actually. And he sank down on the ground. और वह जो है जमीन पर बैठ गया, यानी वह जमीन पर बैठ गया. Tired to death का मतलब अत्यधिक थककर. Tired to death का मतलब हो जाएगा very tired. काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थक कर वह जमीन पर क्या हो गया, बैठ गया. यहाँ पे sank down का मतलब होता है कि थक हार कर बैठ जाना. वह sank का मतलब होता है डूबना, लेकिन जमीन पर डूबते नहीं लोग. तो वह थक हार कर जमीन पर बैठ गया. थिंकिंग, या विचार करते हुए, दैट कि हिज लास्ट मोमेंट, कि उसका अंतिम क्षण यानी उसकी मृत्यु हैड कम, आने वाली थी, लगभग लगभग ऑलमोस्ट आ गई थी. बट जस्ट एज हिज But just as he laid his head on the ground, उसने अपने सिर को रखा on the ground, मतलब जमीन पर. He heard, तो उसने सुना. क्या सुना? A sound, एक आवाज सुनी. कैसी आवाज थी? A hard, regular thumping. यानी एक तेज लगातार धमकने की आवाज सुनी. यानी किसी लोहे का जमीन पर पड़ना, जो आवाज निकालता है वही लगातार आवाज उसने सुनी. देर वॉज नो डाउट, यानी देर वॉज सर्टेन, यानी निश्चित था. एज की टू व्हाट दैट वॉज, यानी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो कौन सी आवाज थी. एट वंस, तुरंत जो है रैट ट्रैप सेलर ने उस आवाज को पहचान लिया. उसके लिए कोई डाउट की बात नहीं थी कि वो आवाज कौन सी थी. उसने तुरंत समझ लिया कि वही रखा था उसने. एक्चुअली सिर को जब जमीन पर रखा था तो उसकी पूरी बॉडी रही होगी जमीन पर, लेकिन उसने अपने सिर को उठाया. अब फिर उसने सोचा कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. यानी दोज का मतलब वह जो साउंड आ रहा था वो कैसा साउंड था? द हैमर स्ट्रोक, यानी वह हथौड़े का प्रहार था. यानी हथौड़े के प्रहार का साउंड था, जो कहां से आ रहा था? फ्रॉम एन आयरन मिल, जो एक लोहे की मिल से आ रहा था. यानी उसके अंदर संदेह रहा ही नहीं, वह तुरंत ही जान गया कि कैसी आवाज है. फिर उसने कहा ये आवाज जो है वो हथौड़े के प्रहार की आवाज है, जो किसी आयरन मिल से आ रही है. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय. उसने तुरंत सोचा कि देयर मस्ट बी पीपुल, कि लोग अवश्य होंगे. नियर बाय मतलब पास में या आसपास. उसने सोचा कि आसपास लोग अवश्य होंगे. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ. ही समंड, उसने कलेक्ट किया. समंड मतलब कलेक्टेड हो जाएगा. कलेक्टेड मतलब होता है जुटाया. ही समंड, उसने जुटाया. ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब अपनी पूरी शक्ति, यानी अपनी पूरी शक्ति उसने जुटाई. गॉट अप, खड़ा हुआ. एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ा कर चलने लगा. इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, ऑफ द साउंड, यानी ध्वनि की दिशा में, आवाज की दिशा में वह लड़खड़ा कर चलने लगा. स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना. इसको स्टैगर्ड को कह सकते हैं टू वॉक इन एन अनईजी मैनर. यानी असहज होकर चलना, यानी आसानी से ना चल पाना.
टू वॉक इन अ डिफिकल्ट मैनर भी आप कह सकते हैं, कठिन तरीके से चलना, लड़खड़ा कर चलना। मे बी समझ में आया हो कमेंट करके बताएं, समझ में आया है या नहीं। क्लियर? ओके, ओके, लेट्स मूव अहेड। द रामजो आयरन वर्क, यानी रामजो का जो कारखाना था, यानी लोहे का कारखाना था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी लंबे समय पहले, वर अ लार्ज प्लांट, एक बड़ी सी मिल थी वो, यानी एक बड़ा सा उद्योग था, यानी जो रामजो का आयरन वर्क्स है वो अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन लंबे समय पहले नहीं, यानी अभी थोड़े समय पहले ही वह क्या था, एक लार्ज प्लांट था, एक बड़ा उद्योग था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब पिघलाने वाला, पिघलाने वाला यंत्र, रोलिंग मिल यानी लुढ़काने वाला यंत्र, एंड फोर्ज और ढलाई घर के साथ, यानी जो आयरन यानी जो लोहे के कारखाने होते हैं उसमें लोहे को पिघलाने वाला यंत्र होता है, उसको लुढ़काने वाला यंत्र होता है, और ढलाई घर होता है, यानी वह घर जिसमें लोहे को अलग अलग शेप में माउल्ड किया जाता है, ढाला जाता है। इन द समर टाइम, यानी गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज, यहां दो शब्द आपको मिल रहे हैं, बार्जेज एंड स्काउज, ये दोनों नाव के प्रकार हैं, बार्जेज और स्काउज ये दोनों नाव के प्रकार हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स, यानी गर्मी के समय में लंबी कतारें लगी रहती थी, किसकी, ऑफ हैवली लोडेड, यानी काफी भार वाले नावों की लंबी कतारें लगी होती थी, स्लिड डाउन द कैनल, यानी जो नहर के पास से होकर लुढ़कती हुई आती थी, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी विच लेड, जो रास्ता देती थी, जिस रास्ते से वो आती थी, वो रास्ता कौन सा था, ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी एक बड़ी सी लेक, झील थी, वो भी कैसी झील थी, इनलैंड, यानी जो केवल लैंड से कनेक्टेड थी, यानी जो समुद्र से कनेक्टेड नहीं थी। अब लैंड लॉक्ड इनलैंड, मानी इनलैंड का मतलब लैंड लॉक्ड, यानी जो स्थल से घिरी हुई लेक होती है उसको बोलते हैं इनलैंड लेक, इसको अंतरदेशीय झील भी कहते हैं, यानी जो केवल स्थल भाग से घिरी होती है। फिर से समझने का प्रयास करें, इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, यानी अत्यधिक भार से लदी हुई नावों की लंबी कतारें, स्लिड डाउन द कैनाल, यानी उस नहर के आसपास लगी रहती थी, विच लेड, जो रास्ता देता था नहर को, नहर को रास्ता कौन देता था, ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी वो नहर उस लेक से जुड़ी हुई थी, यानी एक बड़ी झील से जो स्थल भाग से घिरी हुई हो। आप ये भी कह सकते हैं, लेड मतलब को जाना भी होता है, जो जाती थी, किसको जाती थी, एक मिनट, इसको इस तरह समझें ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी जो
कहा जा रहा है गर्मी के समय में लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवली लोडेड बार्स एंड स्काउस, गर्मी के समय में अत्यधिक, हैवली का मतलब अत्यधिक, लोडेड मतलब भार से युक्त, बार्जेज एंड स्काउस यानी नाव, यानी काफी भार से युक्त नाव की जो लॉन्ग लाइंस थी, लंबी कतारें थी, वो स्लिड डाउन द कैनाल, वो कैनाल के पास से गुजरती थी। अब व्हिच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो कैनाल, व्हिच कैनाल के लिए आया है, जो कैनाल जाती थी, कहाँ जाती थी, ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी एक बड़ी सी ऐसी झील के पास जाती थी जो स्थल भाग से घिरी हुई थी। यानी जो कैनाल थी वो कहाँ जाती थी, एक लंबी सी, एक बड़ी सी झील जो स्थल भाग से घिरी हुई होती थी उसमें, यानी उसकी तरफ वो जाती थी, और उसी के रास्ते से स्लिड डाउन होते थे धीरे धीरे नाव आती थी। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो कैनाल है ये भी वाटर बॉडी है, कैनाल और ए लार्ज इनलैंड लेक, ये दोनों वाटर बॉडी हैं, यानी इन दोनों वाटर बॉडीज के थ्रू बार्ज और स्काउज आते थे। कैसे आते थे, हैवली लोडेड होकर, यानी अत्यधिक भार लेकर आते थे, और कैसे आते थे, लंबी लाइन लगाकर आते थे। कब आते थे, इन द समर टाइम, गर्मी के समय में आते थे, गर्मी के समय में अत्यधिक भार से लदी हुई नाव उस कैनाल से होकर आती थी, जो कैनाल किससे जुड़ी हुई थी, ए लार्ज इनलैंड लेक, यानी स्थल भाग से घिरी हुई एक बड़ी सी झील से जुड़ी हुई थी, उससे नौकाएं जो है भार को लेकर लंबी कतारें बनाकर गर्मी के समय में उस आयरन मिल्स, यानी आयरन मिल के पास आती थी। और क्या करने के लिए आती थी, वहाँ कच्चा लोहा आता था, उन्हें अलग अलग शेप में पिघलाकर माउल्ड किया जाता था और नई चीज़ें बनाकर शिपमेंट की जाती थी, यानी भेजी जाती थी, व्यापार किया जाता था। आशा है समझ में आई होगी बात, आगे बढ़ जाते हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और शीत ऋतु में, द रोड्स नियर द मिल, यानी जो मिल के पास के जो सड़क होते थे वर ब्लैक, वो काले हो जाते थे, मतलब वहां की सड़कें शीत ऋतु में मिल के आसपास की सड़कें वर ब्लैक, काली हो जाती थी, किससे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी कोयले के धूल से, कोयले की धूल से काली हो जाती थी, और वो कोयले की धूल व्हिच शिफ्टेड, जो छनकर गिरती थी, शिफ्टेड डाउन का मतलब होता है छनकर गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी जिस चारकोल में, जिस चारकोल के कैरेट में कोयले रखे जाते थे, उन चारकोल के कैरेट से छन करके जो कोयले की डस्ट गिरती थी वो उन सड़कों को क्या कर देती थी, काला कर देती थी। फिर से समझिए, यहां देखिए, एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडी के समय में, द रोड्स नियर द मिल, यानी मिल के पास की जो सड़कें होती थी वर ब्लैक, काली हो जाती थी, क्यों होती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी कोयले के धूल से काली हो जाती थी, और वो कोयले की धूल हुई शिफ्टेड डाउन, छनकर गिरती थी, किससे, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी बड़े बड़े चारकोल के कैरेट से, यानी बड़े बड़े चारकोल के कैरेट जिसमें कोयले के टुकड़े होते थे उनमें से छनकर कोयले की डस्ट उन सड़कों पर गिरती थी और उन सड़कों को ब्लैक बना देती थी। उम्मीद है समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इस क्लास को कल रिज्यूम करेंगे। हैव अ नाइस डे।